फ्रेंड्स, वेब चैम्प चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी हम देखने वाले हैं विंडोज सिस्टम पे पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको ब्राउजर में जाके पाइथन डाउनलोड करके सर्च करना है, और आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा पाइथन डॉट ऑर्गेनाइज का। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने एक डाउनलोड का बटन भी दिख जाएगा आपको, है ना। तो ये पाइथन 3.10.4 ये जो लेटेस्ट वर्जन है, इसको आपको डाउनलोड करना है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो मेरा डाउनलोड हो चुका है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं उसी को इंस्टॉल करता हूँ। ये इंग्लिश पाइथन को आपको, मतलब जो भी पाइथन का फाइल डाउनलोड हुआ है उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। और जैसे आप डबल क्लिक करोगे, आपके सामने इंस्टॉल पाइथन और पाइथन का वर्जन करके विंडो आएगा। बट आपको इमिडिएटली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक नहीं करना है, आपको लास्ट में जाके ऐड पाइथन 3.10.2 पाथ करना है। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपको जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है वहां पे जाके पाइथन की हर एक फाइल रन करनी होगी। बट ये अगर हम ऐड टू पाथ करते हैं तो सिस्टम को हम बता रहे कि पाइथन हमारा कहाँ पे इंस्टॉल है ना। तो इससे क्या होगा कि इससे आप सिस्टम के किसी भी फोल्डर में, आपके लैपटॉप के किसी भी फोल्डर में से कोई भी पाइथन फाइल डायरेक्टली रन कर सकते हैं, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, या फिर उस पाइथन फाइल पे डबल क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे। तो जैसे आपने ऐड तो बात किया, आपको अभी इंस्टॉल नाउ करना है, और पाइथन पाइथन की जो भी लाइब्रेरीज है, पैकेजेस है, वो उसको इंस्टॉल कर लेगा। ये सेटअप बहुत ही फास्ट होता है, बस 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम नहीं लेता है। तो देखो यहाँ पे आ गया, आपको मैसेज मिल गया, सेटअप वॉज सक्सेसफुल। आपको अगर चेक करना है तो आप CMD, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको सिर्फ पाइथन टाइप करना है, और आपको आपके पाइथन का इंस्टॉल, सॉरी आपके पाइथन का जो भी इंस्टॉल्ड वर्जन है वो वर्जन आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा। तो इसके बाद और एक चीज हमें करनी होती है कि हमें पाइथन के पैकेजेस भी इंस्टॉल करने होते हैं। वो पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए हमें पिप की जरूरत होती है। तो पिप इंस्टॉल करने के लिए हमें फिर से एक ब्राउजर का विंडो ओपन करना है, और यहाँ पे लिखना है गेट पिप पीवाई। तो आपको फर्स्ट ही लिंक मिल जाएगा गिटहब का, इस लिंक पे जाके आपको लास्ट में देखो यहाँ पे गेट पिप डॉट पीवाई का एक ये है सेक्शन है रीडमी में, तो उसमें उन्होंने लिंक दिया हुआ है। ये जो देखो https bootstrap डॉट पाइपा डॉट आईओ है ना, इस लिंक को आपको कॉपी करना है, और नेक्स्ट कोई न्यू विंडो में आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो एक ऐसा पाइथन का फाइल ओपन हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे कोड्स है ना, पाइथन के कोड्स फंक्शंस लिखे हुए हैं। इसको आपको कंट्रोल एस करके सेव करना है, और जैसे आप इसको सेव करते हो ये डाउनलोड हो जाएगा। और इस फाइल को आपको यहाँ से उठा के कंट्रोल एक्स करके, आपने जो पाइथन इंस्टॉल किया है ना उसका लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन करके यहाँ पे आके आपको पेस्ट करना है। तो इस तरह आपका गेट पिप भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी हम, है ना, कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। CMD हमने ओपन किया, अभी हम पिप यूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही पिप करके एंटर किया तो देखो मुझे यहाँ पे मिल रहा है पिप का मेरा वर्जन, वर्जन में पिप के कमांड्स मिल रहे हैं, है ना। तो अगर आपका ऐसा विंडो नहीं आता है तो आपको एक ऑप्शन, सॉरी आपको एक मैसेज मिलेगा कि ये जो पिप है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ऐसा कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है सिस्टम पे, इस तरह का मैसेज आपको मिल जाता है। तो जैसे ये हमारा ये जो पाइथन एंड पिप रेडी है, हम पाइथन का कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग पिप, है ना। एक कमांड देंगे हम इंस्टॉल इंस्टॉल डी जैंगो, तो ये हमारे लिए ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करके देगा।
देखो ये पैकेजेस कलेक्ट कर रहा है ना, तो ये पिप जो है पाइथन का बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत ही हेल्पफुल चीज है हमारे लिए, इससे हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। आपका मैनुअल वर्क बहुत कर रहा, मतलब ये जो डीजांगो है मैनुअल जाके इंस्टॉल करना है, इससे अच्छा ये इसे आप रन कर दो, आपको सारी चीजें सेटअप होके मिल जाएगी। आप फिर आपके जो भी आईडी है उसमें यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके फंक्शनलिटीज उसके कोड को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पाइथन इंस्टॉल करना है और है ना, उसके बाद पिप इंस्टॉल करना है, देन हम पाइथन का कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगले वीडियो से हम पाइथन इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, पूरा पाइथन का जो भी मतलब फंक्शन बेस्ड है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सारे प्रोग्रामिंग, पाइथन के डेटा टाइप्स और भी मतलब है ना, लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी, सो ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखते हुए जाएंगे और उसके बाद हम डीजांगो भी पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन टू पाइथन।